Okay, good morning students. Now today we are going to start our new topic. It is your grammar topic, okay? Lesson number 10, adjectives. What is mean by adjectives? We see first of all some examples, then I will explain what is the definition of the adjectives. Okay, read the following sentence. It is your page number 59, okay? Of your grammar textbook, open your 59 page number and look carefully each and every sentence. Okay, so look carefully the first sentence. Priyanshi brought a new mobile phone, and here it is given a new word in a red ink. Okay, it is written in red. Then Snow White was a beautiful princess. Then Ravi is a brave boy. Then fourth example is swimming is a good exercise. So look carefully the words new, then beautiful, then brave and good. These are the verbs. Okay, the words new, beautiful, brave and good in the above sentences tell us about the characteristics of an object or a person. These words are called describing words. Okay, क्या बोल रहे इसमें कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें जो न्यू वर्ड आया जाए, प्रियांशी ब्रॉट अ न्यू मोबाइल फोन. उसने लाया तो है मोबाइल, पर कैसा? न्यू मोबाइल. सेकेंड, स्नो व्हाइट वॉज अ ब्यूटिफुल प्रिंसेस. प्रिंसेस तो है, राजकुमारी तो है, पर कैसी है? ब्यूटिफुल है, मतलब उसके बारे में और एक्स्ट्रा की जानकारी हमें पता चल रही. इट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. देन रवि इज अ ब्रेव बॉय, यानी बॉय है, पर कैसा है? कैसा है? ब्रेव है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है. देन स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. स्विमिंग एक्सरसाइज तो है, बट कैसी? गुड. कैसी है? अच्छी एक्सरसाइज है. इट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. एंड दैट्स व्हाई द डेफिनेशन ऑफ द एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव्स आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दैट टेल मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जो हमें ज़्यादा जानकारी देता है किसके बारे में? नाउन और प्रोनाउन के बारे में. अंडरस्टूड? मतलब किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, ज़्यादा जानकारी अगर मिलती है, दैट ऑल वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल्स, बिग गोल्स आर अचीव्ड विथ अ लिटल स्टेप्स. बिग गोल्स, गोल्स का मतलब हमारा जो एम होता है, हमारी जो इच्छा होती है, हमारा जो ध्येय होता है, हमारे जो सपने होते हैं, दैट इज द बिग गोल्स. हमने बहुत बड़ा सपना तो देख लिया. आर अचीव्ड, बड़े सपने अचीव्ड होते हैं कैसे? विथ लिटल स्टेप्स. छोटी स्टेप्स तो है, अगर हम कदम आगे बढ़ाएंगे तभी हम आगे चल पाएंगे, सक्सेस मिल पाएगा, पर कैसे? लिटिल स्टेप्स कहा गया है. छोटे छोटे स्टेप से ही हम बड़ा काम अपना कर सकते हैं. जिस तरह से हम हिंदी में बोलते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा बनता है, बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसा ही छोटी छोटी स्टेप्स लेके हम क्या कर सकते हैं? बड़ा गोल कर सकते हैं. तो यहाँ पे छोटी स्टेप्स, लिटिल इज अ एडजेक्टिव. देन जनरली द रोड्स इन अ हिली एरियाज आर कर्व्ड. रोड्स तो है, कहाँ के? हिली एरिया के, पहाड़ी इलाकों के. कैसे रहते हैं? कर्व्ड रहते हैं.
हमने ऐसा नहीं कहा कि हिली एरिया के रास्ते प्लेन है करके, अगर प्लेन भी रहता तो भी एडजेक्टिव था। हमने उन रास्तों के बारे में एक्स्ट्रा की बात बताई है, जानकारी बताई है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ एडजेक्टिव। टेढ़े मेढ़े है, कर्व्ड है रास्ते, ठीक है। देन रुचिका सैंग अ रॉक सॉन्ग, रुचिका जो है उसने गाना तो गाई पर कैसा रॉक सॉन्ग गाई, इसमें आप सैड सॉन्ग भी बोल सकते थे, पेट्रियोटिक सॉन्ग भी बोल सकते। इट इज़ द डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर दिस सॉन्ग, पेट्रियोटिक और क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, लाइट म्यूजिक, दीज आर दी एडजेक्टिव्स। ओके, अंडरस्टूड। नाउ रिमेंबर, एडजेक्टिव्स आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द नाउन्स दे डिस्क्राइब। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज वेरी लॉन्ग हेयर, हेयर इज अ हेयर इज अ नाउन। क्या बोला है यहाँ पे, एडजेक्टिव जनरली नाउन्स के पहले आते हैं, नाउन्स के पहले डिस्क्राइब करने के लिए आ जाते हैं। हेयर इज अ नाउन एंड लॉन्ग इज अ एडजेक्टिव। बाल तो है पर कैसे है, लंबे है, लॉन्ग है, इट इज अ एडजेक्टिव। देन हाउ एवर समटाइम्स द एडजेक्टिव्स कैन बी प्लेस्ड आफ्टर अ नाउन। कभी कभी, समटाइम्स बोला है, कभी कभी द एडजेक्टिव्स कैन बी प्लेस्ड आफ्टर अ नाउन, कभी कभी नाउन के बाद भी एडजेक्टिव्स यूज हो सकता है। कैसा, फॉर एग्जाम्पल, हर हेयर आर लॉन्ग। अब यहाँ पे वही बात बता रहे कि शी हैज अ वेरी लॉन्ग हेयर एंड हर हेयर आर लॉन्ग, उसके बाल, अपने जो बाल जो है ये नाउन है, पहले आया है, आर लॉन्ग, कैसे है, लॉन्ग है, तो लॉन्ग इज एडजेक्टिव। हेयर ऑल्सो लॉन्ग इज एडजेक्टिव एंड हेयर ऑल्सो लॉन्ग इज एडजेक्टिव। इट इज डिपेंड अपॉन द पोजिशन ऑफ द वर्ड, वो कहाँ पे यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, वो डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट पेज, अंडरलाइन द नाउन एंड द एडजेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब इट, राइट देम इन द गिवन कॉलम्स। देयर कैन बी वन और मोर देन वन नाउन एंड एडजेक्टिव इन ईच सेंटेंस। आपको नाउन को और एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है, क्या करना है, अंडरलाइन द नाउन एंड द एडजेक्टिव जो डिस्क्राइब करेंगे, राइट देम इन अ गिवन कॉलम्स। यहाँ पे आपको लिखना है नाउन के जगह पे नाउन, एडजेक्टिव के जगह पे एडजेक्टिव। देयर कैन बी वन मोर, वन और मोर, एक भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, देन वन नाउन और द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी तो हो सकते हैं, नाउन भी तो हो सकते हैं, इन ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस में हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। लेट्स सी द एग्जाम्पल, हैरी सॉ अ रेड स्टेन ऑन हीज शर्ट। अब नाउन कौन कौन से हैं यहाँ पे, ये आपको बताना है। हैरी इज अ प्रॉपर नाउन, स्टेन इज अ नाउन, शर्ट इज ऑल्सो अ नाउन, बट विच वन इज योअर एडजेक्टिव, यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंड राइट द आंसर हियर। ओके, देन कैन आई हैव अ स्मॉल पीस ऑफ केक, सो यू हैव टू फाइंड आउट द नाउन एज वेल एज एडजेक्टिव एंड राइट डाउन हियर। देन मदर गेव मी अ ग्लास ऑफ कोल्ड मिल्क, फाइंड आउट द नाउन एंड एडजेक्टिव हियर। दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड, राइट डाउन नाउन एंड एडजेक्टिव हियर। द गर्ल वॉज वेरी हैप्पी, नाउन एंड एडजेक्टिव हियर। टेक द ओल्ड बाइसिकल आउट फॉर रिपेयरिंग, राइट डाउन द नाउन एंड बाइसिकल। दिस इज योर होमवर्क, ओके, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स फॉर दिस। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल सेंड यू द आंसर्स, और आई विल सेंड द PDF फॉर द आंसर्स। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके, टाइप ऑफ एडजेक्टिव, देयर आर
1 2 3 4 5 6 type of adjectives. Which are they? First one is adjectives of quality, then adjectives of quantity, then adjectives of number, then demonstrative adjectives, then interrogative adjectives and possessive adjectives. There are six types of the adjectives. So let's see the first adjective. Which one is the first adjective? Adjectives of the quality. Quality के बारे में adjectives अभी हम देखेंगे. For example, this is a historical site. Site मतलब ये जगह है, पर कैसी जगह है? हिस्टोरिकल है, उसकी क्वालिटी बता रहा है. देन तुषार प्लेज इन अ बिग ग्राउंड. ग्राउंड तो है, इट इज अ नाउन, बट कैसा बिग है ये उसकी क्वालिटी बता रहा है. मेरे पास शर्ट तो है, पर कैसा है? महंगा. अगर मैंने बोला आई हैव अ एक्सपेंसिव शर्ट और द एक्सपेंसिव पेन, तो एक्सपेंसिव इज अ एडजेक्टिव, बट विच टाइप ऑफ द एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी दिखा रहा है, उस चीज का महत्व बता रहा है. दैट इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. सेंटेंस वन टेल्स अस अबाउट द काइंड ऑफ साइट एंड सेंटेंस टू टेल्स अस अबाउट द काइंड ऑफ ग्राउंड. ग्राउंड के काइंड के बारे में और साइट के काइंड के बारे में फर्स्ट और सेकेंड सेंटेंस में हमें वो बता रहा है. ठीक है. द वर्ड्स हिस्टोरिकल एंड बिग आर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. तो ये जो वर्ड्स है हिस्टोरिकल एंड बिग आर द एडजेक्टिव्स ऑफ द क्वालिटी. ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स इन पेज नंबर 61. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज एन एडजेक्टिव दैट शोज द काइंड और अ क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. Adjective of quality is an adjective. वो adjective है, पर कैसे? That shows the kind or the quality. उसका प्रकार या फिर quality जो बताएगा कि ये अच्छा है वो बुरा है. It is a quality of a noun or a pronoun. Noun या फिर pronoun के बारे में जो बताते हैं words. Quality बताते हैं. That all the words are known as adjectives of quality. Remember to ask a question, what kind of, in case of adjective of quality. यहाँ पे ये बहुत important है, आप उसको ध्यान से पढ़ के रखिएगा. अगर हमें adjective of quality को ढूंढना है तो हमें question पूछना पड़ेगा. कौन से question? What kind of. ये आपको हमेशा question पूछना पड़ेगा, है ना. जैसे यहाँ पे अभी हम check करेंगे, है ना. Look carefully the exercise number B. Circle the adjectives of quality in the following sentence. Adjectives of quality नीचे में जो दिए हैं उनमें से अपने को ढूंढना है, है ना. तो जैसे ये first example है, the rhinoceros is a giant animal. It is a given, है ना. It is a sentence given in your textbook. And if you have to find out, if you want to find out the answer for the adjectives of quality, then you have to ask question with this question, what kind of. So what is the question? What kind of the rhinoceros is, or what kind of the rhinoceros animal is. So what will be the answer? Whatever it may be the answer, it is your adjectives of quality. Main abhi aapko yahan pe इनके आंसर नहीं बताऊंगा. इट इज योर होमवर्क. यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स. ओके, फॉर एग्जांपल लेट मी एक्सप्लेन द फर्स्ट एग्जांपल. द राइनोसोरस इज अ जायंट एनिमल. राइनोसोरस जो है एनिमल है, पर कैसा है? जायंट है. ओके, तो दिस इज योर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. अंडरस्टैंड? Now this is your homework to find out the adjectives of quality. You know, try to find out, then I will provide you the answer sheet for that. Okay, this is your homework. The next type is adjectives of quantity. Read the following sentence.
There is some water in the pot. Some. And we do not have enough time. Okay. In sentence first, tell us about much water is in the pot. Much water. How much water? Okay. And sentence two. Tells us how much time we do not have. How much time? It shows a quantity. Quantity का मतलब आपको पता है. अगर आपकी मम्मी या आपके पापा आपको बोलते होंगे कि जाओ दुकान से 1 किलो शक्कर खरीद के लेके आओ, तो 1 किलो मतलब उसकी क्वांटिटी हो गई, बराबर है. या हम बोल सकते कि जाओ दुकान से 1 बिस्किट लेके आओ, बिस्किट पॉकेट लेके आओ. तो 1 जो हम बोल रहे हैं कि जाओ 1 बिस्किट पॉकेट लेके आओ या 2 बिस्किट पॉकेट लेके आओ, तो 1 या 2 हमें क्या बता रहा है, उनकी क्वांटिटी बता रहा है कि कितने बिस्किट करके, है ना. तो दिस इज योर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, याद रखना. अगर आपने बहुत बार सुना भी होगा कि आज हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं, तो हम पूछते हैं कि भैया कितने क्वांटिटी में आएंगे, है ना. या फिर आपको बोल देगा कोई कि बाप रे वहाँ पे तो बहुत सारे लोग थे, तो आपको क्या पूछेंगे, कितनी क्वांटिटी थी लोगों की. तो क्वांटिटी का मतलब नंबर, कितने ज़्यादा कितने कम, ये जो दर्शाएगा, ये जो दिखाएगा, दैट इज द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल, देर इज सम वाटर इन द पॉट. पॉट में कुछ पानी है. कुछ का मतलब क्वांटिटी हो सकती है, आधा लीटर हो सकता है, 1 लीटर हो सकता है, 5 लीटर हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर. देन वी डू नॉट हैव इनफ टाइम. हमारे पास इनफ टाइम नहीं है. टाइम है पर कैसा, इनफ जितना चाहिए उतना समय नहीं है. वी डू नॉट हैव इनफ टाइम. हमारे पास समय नहीं है, मतलब हमारे पास जितना हमें चाहिए था एक्चुअली. अगर मुझे 1 घंटा चाहिए था पेपर सॉल्व करने के लिए, लेकिन मेरे पास सिर्फ आधा ही घंटा है, तब मैं बोल सकता हूँ कि वी डू नॉट हैव इनफ टाइम. अभी हमारे पास समय उतना नहीं है जितना हमें चाहिए. ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग. कितनी क्वांटिटी, 1 है या 2 है या 4 है या 5 है. ओके, एंड रिमेंबर, व्हाट इज द रिमेंबर, रिमेंबर दैट द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चन हाउ मच. अगर आपको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी को समझना है, ढूंढना है, तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछना पड़ेगा, हाउ मच. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल एक्सरसाइज. ओके, यहाँ पे अभी एग्जांपल नहीं दिया है, अपन देखेंगे बाद में. ओके, अभी नेक्स्ट जो है वो एडजेक्टिव्स अपन पढ़ते हैं. नेक्स्ट टाइप इज द एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. अब यहाँ पे नंबर दिए जाएंगे, नंबर के बारे में पता चलेगा, दैट इज द एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द फोर्थ बॉय इज द मॉनिटर एंड देर आर नो पिक्चर्स इन द बुक. अब द फोर्थ बॉय इज अ मॉनिटर, मतलब जो क्लास है, क्लास में जो फोर्थ नंबर पे जो लड़का बैठा हुआ है, जो स्टूडेंट बैठा हुआ है, वो क्या है, मॉनिटर है. तो हमें ये पता चल जाएगा डायरेक्ट, अगर हमने काउंट कर दिया कि 1 2 3 4, फोर्थ नंबर का कौन सा बच्चा है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अब ये जो फोर्थ जो है वो उसकी नंबर बता रहा है, कौन से नंबर का. अगर मैंने बोला कि 28 जो लड़की बैठी हुई है, लड़का बैठा हुआ है, वो सिंगर है, अच्छा गाता है, या अच्छा पेंटर है, या अच्छा डांसर है, अगर हमने बोल दिया, तो बराबर हम काउंट करके बता सकते कि वो लड़का कौन सा. तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है हमको, नंबर दिखा रहा है, फोर्थ इज अ नंबर. एंड देर इज नो पिक्चर इन द बुक. इस किताब में कोई भी पिक्चर नहीं है, एक भी पिक्चर नहीं है, मतलब वो क्या बता रहा है, उसमें नंबर बता रहा है. अगर मैंने बोला रहा है कि देर आर द 10 पिक्चर्स इन योर बुक, तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, नंबर बता रहा हूँ कि 10 पिक्चर है करके. और कुछ भी नहीं है तो वो भी नंबर ही हो गया, 0 इज अ नंबर. ओके, सो
the words fourth and no denote adjectives of a number. And what is the definition? Adjective of a number expresses the number of person or thing. क्या दिखाएंगे? हमें नंबर बताएंगे कि कितने नंबर है, 10 है, 15 है, 20 है, है कि नहीं? ये हो गया तुम्हारा एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. अब उसमें भी टू टाइप्स होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में. या फिर यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि अगर हमको एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर को ढूंढना है तो हमको हाउ मेनी से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा. यहाँ पे हमने क्या देखा था, हाउ मच से क्वेश्चन पूछेंगे तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी पता चलेगी. और अगर हमको एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर ढूंढना है तो हमें हाउ मेनी से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा. जैसे अगर मैंने पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, आर देयर इन योर फिफ्थ क्लास, तो आपका आंसर क्या रहेगा कि देयर आर 52 और द 40 और द ऑटेरिट में भी 45 स्टूडेंट्स इन आर फिफ्थ क्लास. सो वॉट इज द एडजेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, द आंसर विल बी 52 और द 40 और द 45. सो इफ़ यू हैव टू फाइंड, इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन टू दैट सेंटेंस बाय हाउ मेनी. हाउ मेनी डेज आर देर इन अ वीक, एक वीक में कितने डेज होते हैं, ऐसा अगर आपने पूछा तो आंसर रहेगा 7. 7 इज योर एडजेक्टिव ऑफ नंबर. अंडरस्टूड? देन देर आर टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. वन इज अ कार्डिनल्स एंड सेकेंड वन इज अ ऑर्डिनल्स. कार्डिनल्स मीन्स टेल द एग्जैक्ट काउंट. कार्डिनल्स में आपको एग्जैक्ट नंबर पता चलेगा. फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3. ओके, 1 है कि 2 है कि 3 है कि 50 है कि 60 है कि 100 है, 1000 है कि लाख है, ऐसा हमको पता चलेगा नंबर. और ऑर्डिनल्स में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस? टेल द ऑर्डर इन विच अ पर्सन और अ थिंग स्टैंड्स. इसमें हमें ऑर्डर पता चलता है सिर्फ, यहाँ नंबर पता नहीं चलता है, है ना? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. अगर इफ आई लाइक वुड लाइक टू गिव यू एग्जाम्पल, द मोनिश इज द फर्स्ट बॉय हु टुक दिस अवार्ड. मोनिश ये एक पहला ऐसा लड़का है जिसने ये अवार्ड जीता, अगर ऐसा मुझे बोलना है तो. यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, फर्स्ट, द फर्स्ट बॉय, है ना? तो इट इज योर ऑर्डिनल्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. आई वॉज द फर्स्ट इन दैट बैच, मैं फर्स्ट था उस बैच में, अगर मुझे ऐसा बोलना है तो ये होगा आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा, बट कैसा, ऑर्डिनल्स होगा. ओके, एंड आई हैव टू ब्रदर्स, तो टू आर द एडजेक्टिव ऑफ नंबर. अंडरस्टूड? ये हो गया अपने डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स. देन सेकेंड टाइप इज इनडिफिनाइट न्यूमेरिकल न्यूमेरल एडजेक्टिव. उसमें भी थ्री टाइप्स है, अभी अपन देखते हैं क्या होता है. तो फॉर एग्जाम्पल इनडिफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सम, एनी, सर्टन, सेवरल, सन्ड्री, इस टाइप के जब वर्ड्स आते हैं तो हमें उनका एग्जैक्टली नंबर पता नहीं होता है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एन इनडेफिनाइट न्यूमेरल्स एडजेक्टिव्स. जिसका हमें एग्जैक्टली नंबर पता नहीं हो सकता है, ऐसे एडजेक्टिव्स को हम बोलेंगे इनडेफिनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल ऑल दी स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट एंड ऑन दैट ओकेजन. अगर मैंने ऐसे बोला ऑल दी स्टूडेंट तो मैंने बोल दिया, पर क्या आपको पता चल रहा है क्या कि कितने स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ? 10 स्टूडेंट थे या 50 स्टूडेंट थे या 100 स्टूडेंट थे, इससे हमें पता नहीं चल रहा है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ इनडेफिनाइट न्यूमेरिकल न्यूमेरल एडजेक्टिव्स. ठीक है. आई हैव फ्यू बुक्स डिपेंड ऑन दिस साइंस फिक्शन. मैंने कहा कि मेरे पास साइंस फिक्शन की कुछ किताबें हैं, पर क्या आपको पता चल रहा है कि मेरे पास कितनी किताबें हैं? 10 है, 12 है, 15 है,
हजार है, लाख है, नहीं पता चल रहा है, इसलिए इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव इसे कहते हैं। वैसे ही सम है, नो है, दीज आर दी इनडेफिनेट न्यूमरिकल एडजेक्टिव। एंड द थर्ड टाइप इज डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉय मस्ट टेक दिस हिज टर्न। ईच मतलब सभी। अभी यहाँ पे समझ के चलो, आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और मैं आपको कह रहा हूँ कि ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, सबको अपनी अपनी बारी पर काम करना ही पड़ेगा, आपको बारी बारी गाना ही पड़ेगा, अगर ऐसा मैंने बोल दिया तो। इसमें मैंने ईच बोला, ईच मतलब सभी लोग उसमें आ गए, डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है इसमें। देन एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स। अगर कोई बोल रहा है तो मैंने उसको कहा कि एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स, उसका हर एक शब्द, हर एक वर्ड बोला गया वर्ड वो सब झूठ था, अगर मैंने ऐसा बोला इसमें। तो एवरी क्या बता रहा है, पूरे वर्ड की बात हो रही है जो भी वो बोल रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट किए हम लोगों ने। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। देन इन अ सेकेंड लुक केयरफुली, सम एडजेक्टिव्स मे बी बोथ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के भी हिसाब से यूज होते हैं एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर के हिसाब से भी यूज होते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, डिपेंडिंग अपॉन देयर यूजेस है ना, उनको जैसे हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां दिया हुआ है, आई एट सम राइस, सम राइस बोला मैंने, मतलब क्वांटिटी बता रहा है। बट आई एट सम कप्स ऑफ राइस, यहाँ पे कप्स की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे हम नंबर बता सकते हैं कि मैंने दो कप चावल खाया या तीन कप चावल खाया, इससे हमको नंबर का पता चल रहा है ना। तो हम क्वेश्चन क्या पूछेंगे, अगर हमको नंबर ढूंढना है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, हाउ मेनी कप्स, एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, हाउ मच राइस आई हैव एट, व्हाट विल बी द आंसर, आई एट सम राइस, सम ये क्वांटिटी बता रहा है, कुछ खाया मैंने। और मैंने अगर बोल दिया मैंने दो कप का है, तीन कप का है, तो इसमें मैं नंबर बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लिटल एंड फ्यू, बोथ द एडजेक्टिव्स कन्वे द सेम मीनिंग। लिटल का भी मतलब कम और फ्यू का मतलब कुछ, मतलब वो भी कम हो गया। बट लिटल इज यूज एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, बट ये जो लिटल जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के तरह यूज होता है, एंड इट इज यूज विद अनकाउंटेबल नाउन्स। और हमेशा लिटल जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन्स में आएगा, जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते। बट फ्यू इज यूज एज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और पर जो फ्यू जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आता है, एंड इट इज यूज विद अ काउंटेबल नाउन्स, और ये हमेशा काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ लिटिल वीक, अ लिटिल रेन, वीक एंड रेन आर अनकाउंटेबल, बराबर है। रेन को हम काउंट कर सकते क्या, नहीं कर सकते। बट इन अ नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ फ्यू पेंसिल्स, अ फ्यू कार्स, अ फ्यू पेंसिल्स मतलब कुछ, मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास बहुत कम पेंसिल है, कम का मतलब मैं काउंट नहीं कर सकता क्या, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास पांच पेंसिल है, मेरे पास दस पेंसिल है, ऐसा बोल सकता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा हम, अच्छा, आई हैव अ फ्यू कार्स, मेरे पास कुछ कारें हैं, अगर मैंने बोला तो हम कारों को काउंट कर सकते ना, मेरे पास कितनी है, तो दस है कि बारह है कि पंद्रह है, हम काउंट करके बता सकते हैं। इसीलिए जो फ्यू जो एडजेक्टिव है, इट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एंड लिटिल इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देन अनदर एग्जाम्पल, मच एंड मेनी, बोथ द एडजेक्टिव्स कन्वे द सेम आइडिया, सेम आइडिया दिखाते हैं, मच भी मतलब वही होता है, मेनी का भी मतलब वही होता है। अब फर्क क्या है, मच इज यूज एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये क्वांटिटी के लिए यूज होगा,
और मेनी जो है वो नंबर के लिए यूज होगा, नंबर एंड क्वांटिटी में डिफरेंस है, मच क्वांटिटी मेनी नंबर. फॉर एग्जांपल मच टाइम, आई हैव मच टाइम. मच नॉइस, बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा है. तो टाइम एंड नॉइस आर अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल और ये काउंटेबल के लिए यूज होता है मेनी, याद रखना. देन मेनी क्लॉक्स, मेनी स्टूडेंट्स, मेनी क्लॉक्स इट इज़ एडजेक्टिव ऑफ नंबर. मेनी क्लॉक्स मैंने बोल दिया, बहुत सारी घड़ियाँ, तो घड़ियाओं को हम काउंट कर सकते ना, इसलिए वो काउंटेबल है. एंड मेनी स्टूडेंट्स, मैंने भी बोला कि बहुत सारे बच्चे आए थे, मेनी स्टूडेंट्स, पर क्या हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं, 1000 है, 1200 है, 1500, 1,00,000 है, हम काउंट कर सकते हैं. बट मच टाइम, मेरे पास बहुत समय है, पर कितना समय है एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते. मच नॉइस, वहाँ बहुत सारा शोर हो रहा था, पर हम उसको क्या काउंट कर सकते क्या, कितना शोर हो रहा था, कितना किलो शोर हो रहा था, नहीं बता सकते. दैट्स वाई इट्स अ अनकाउंटेबल. ओके, नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विद अ करेक्ट वर्ड्स, फ्यू और लिटिल आपको यहाँ पर लिखना है, एंड मच और मेनी यू हैव टू राइट ऑल द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. Try yourself, then I will send answer for that. And that's after that you have to check the correct answers. Okay, this is your homework. And next one is also the exercise number D. D is also your homework. Tick the correct option of adjective of quantity or adjective of number. यहाँ पे exactly question में कौन सा adjective quantity वाला लगेगा या adjective of number लगेगा वो आपको tick करना है. ये भी आपका homework है, आप कोशिश कीजिए. नहीं तो मैं वैसे भी इसके answer तो भेजूँगा, फिर आपको correct है या आपका wrong है वो आपको check करना है. For example, अवंतिका goes to her dance class little days a week, or Avantika goes to her dance class 5 days a week. कौन सा करेक्ट है वो आपको यहाँ पर लिखना है. This is your homework. And in a next video we study the another adjective. These are called the demonstrative and the interrogative adjectives. Okay. Thank you.